नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने हरियाणा का जब एनालिसिस किया था तो मैंने कंपैरिजन किया था ज़्यादा हरियाणा के एनालिसिस को विद ऑल इंडिया। या तो तब दो ही रिजल्ट आए थे क्योंकि हरियाणा के सबसे पहले आ गया था, तो मैंने आप लोगों की उत्सुकता शांत करने के लिए किया था कि कैसे जो टॉपर बच्चे हैं, चहक टाइप के, शैल, नियंता, जिनको बहुत शानदार कॉलेजेस मिल गए होंगे दूसरे ऑल इंडिया कोटा में, एम्स या दिल्ली के कॉलेजेस विद देयर पीजी कोटा, वो वहाँ चले जाएंगे। आज दूसरे मुद्दे बात करते हैं। कई लोगों के फोन आए, सब कुछ आया कि सर, तो पहले बात तो भाई जो मैं हमेशा कहता हूँ, जब हम स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग, इंडिया के चार स्टेट जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट सीट, दिल्ली, राजस्थान, बिहार और हरियाणा। तो देखिए, सिर्फ मैंने सरकारी कॉलेज चुन लिए तो हरियाणा की लास्ट सीट ओपन कैटेगरी में 625 नंबर पे है और सिर्फ 16,000 रैंक पे, और दिल्ली इसके भी ऊपर जाता है। तो आप सोचिए, यही हाल राजस्थान का रहेगा। पंजाब हमने अभी देखा आपने पिछले वीडियो में कि फिर भी बहुत रीजनेबल 612 नंबर में मिल गया सरकारी सीट, और हिमाचल की तो बात ही मत करो। तो यही एक सबसे बड़ा ट्रेंड है कि आप किस स्टेट में पैदा हुए हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि इससे कंपेटिटिव स्टेट और सरकारी, आप ये लगा लीजिए कि देखिए, जो टॉप के 10 12 15 बच्चे हैं, यही जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यही है जिनको ऑल इंडिया से एक बेटर कॉलेज मिला हुआ है। कि या तो किसी को दिल्ली का कॉलेज मिला हुआ है तो चले जाएगा, या कि क्योंकि इसके अलावा हम क्यों ही जाएंगे बाहर। मैंने कहा ना, जहाँ तक बॉन्ड की बात थी, जो पहले डर रहे थे, बॉन्ड काफ़ी मेलो डाउन हो चुका है। ठीक है, हरियाणा का बच्चा चंडीगढ़ जा सकता है, वहाँ नहीं है बॉन्ड, पंजाब जा सकते हैं, जीएमसी पटियाला वगैरह अगर सीट मिलेगी तो, या दिल्ली, तो उसके अलावा तो फिर उन्होंने पंजाब हरियाणा में ही पढ़ना है। तो हमने जो उस टाइम भी डिस्कस किया था, किसी के 3600 रैंक है, तो 3600 रैंक पे आप नॉर्थ से दूर मोटा मोटी जा चुके हो, या अच्छे कॉलेज, यूपी के नए कॉलेजेस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस रैंक तक आते आते फिर आपकी कोई इच्छा नहीं है कि आप ये सोचे कि हमने यही पढ़ना है। जनरल कैटेगरी की बात करो तो 2500 पे ही हमारा साउथ स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो हमने जैसे वहां से जनरल पकड़ा हुआ था ना, हम इसको दोबारा से हम अगर जनरल देख लेते हैं तो आपको पता ही है कि भाई, अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो बाय द टाइम आप पहुंचे हो 3600 रैंक तक, तब तक आपको कौन से कॉलेज मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्या आप उन कॉलेज के लिए हरियाणा का कॉलेज छोड़ोगे? नहीं। तो फिर ये सब बच्चे तो अपना ही कॉलेज लेंगे ना। अब आपको दूर जाना है, एम्स जम्मू तक, मतलब जहाँ तक आप स्टार्ट हम हो चुके हैं। चलो, मैंने कहा ना मोहाली वाला आ गया, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी बच्चे को मिला, हमने रेंज की बात की थी। पता नहीं 3886 वाला उस लिस्ट में है भी कि नहीं है, नहीं है। इस सीटों के अलावा बाकी सब तो सरकारी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गिरने वाली नहीं है, आप इस बात को मान के चलिए। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ और आपको पता है एक एक नंबर पर कितने सारे बच्चे होते हैं, तो उसके हिसाब से भाई, अगर जैसे अभी देखो हरियाणा के अंदर ही 625 पे कितने बच्चे हैं, तो 620 ज़्यादा सारा इससे नीचे क्या ही जाएगी जनरल की कट ऑफ। और इसी तरह हर कैटेगरी का अलग अलग चलेगा, तो हम उसके हिसाब से एनालिसिस कर सकते हैं इसी एक्सेल शीट के हिसाब से। दूसरा मैं भाई कहता हूँ, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब मैं अगर इनको हटा के प्राइवेट ले लूँ, तो भाई प्राइवेट में भी बड़ी ज़बरदस्त कट ऑफें गई हैं पहले राउंड में। सो लोग घबरा रहे हैं जी, क्या इस बार सीट ही नहीं मिलेगी? मैं कहता हूँ वो तो मुझे भी यूपी की कट ऑफ से एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया लग गया, क्योंकि यूपी में फ्री एग्जिट नहीं है। बाकी तो हर जगह मजाक चलता है, माहौल चलता है, जिसको सीट लेनी है नहीं लेनी है सब फॉर्म भर देते हैं, और जिनको एक्चुअली लेनी है उनके लिए सीट बचती ही नहीं है। वरना ये अगर आप देखेंगे, ये एनसी मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा था लिस्ट में, एनसी है ना। तो कहने को तो बच्चे इसलिए घबरा गए जी कि 300 नंबर भी आखिरी सीट निकल गई झज्जर की। तो लोग कह रहे हैं कि सर, हरियाणा के बच्चे भी कह रहे हैं सर, तो झज्जर भी 300 चला गया, और अगर हम आउटसाइड बच्चों के लिए बात करें तो भी बहुत हाई है, जबकि बहुत महंगा है एमएमयू साधोपुर, राइट। सो लोग वरी कर रहे हैं कि सर 200 नंबर के नीचे, आप तो कह रहे थे कि पक्का हरियाणा मिल जाएगा 200 पे 180 पे। तो मैंने वही कहा मिल जाएगा, मैंने कहा इनमें बहुत बच्चे होंगे जो फिलहाल 1 करोड़ के पैकेज का साधोपुर भर रखा है, बट अगर इनको यूपी में ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा तो यूपी चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ दिस किड्स विल गेट अ कॉलेज इन यूपी। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, अगर आप ऐसे गौर करेंगे तो नीचे या साधोपुर झज्जर का मिक्सचर चल रहा है, क्योंकि
मार्शियो मार्गनेश्वर का अपना नाम है और झज्जर का अपना नाम है अब दूसरे सेंस में, राइट। तो नीचे आपको सिर्फ ये दो कॉलेज दिख रहे हैं, और फिर हम ऊपर जाएंगे तो अपना आदेश या SGT या NC का मिशन शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो SGT को ऊपर डाल देते हैं। सही, आप देख सकते हैं नीचे बहुत NC है, लेकिन भाई मैं ऊपर की बात करूँ, मैंने मैनेजमेंट और ओपन कैटेगरी पकड़ा था, मुझे NC बहुत कम नज़र आ रहा था, तो थोड़ा मुझे चिंता में डालते थे कि NC की सीटें गई कहाँ। NC की एलोकेट हुई भी है इतनी के पूरी एलोकेट ही नहीं हुई है। नहीं है, और काफ़ी झज्जर और साटोपुर के ऊपर गया है, तो लोगों ने तीसरी पसंद रखी है आफ्टर आई थिंक। और इन बच्चों को मुझे समझ नहीं आता, मतलब इनके मन में क्या है भगवान जाने। 602 नंबर है, 584 नंबर है, और NC एलोकेट करा है, तो आप समझ सकते हैं सब बच्चे वो होंगे जिन्होंने सरकारी के लिए फॉर्म भरा और नीचे सरकारी का डाल दिया, किसी ने आदेश डाल दिया, किसी ने NC डाल दिया पहले। क्योंकि तो 602 नंबर वाला को अगर प्राइवेट कॉलेज लेना है, मैं जानता नहीं साक्षी बेटे को, फिर 584 वाला, और वो 75 लाख रुपए हम NC के देंगे, जबकि हमको श्रीराम मूर्ति मिल सकता है या कल्पना कस्तूरबा मिल सकते हैं, राइट। तो आई वुड बी रियली सरप्राइज कि ये सारे बच्चे NC में जाएंगे जो 500 से ऊपर वाले हैं, 400 से ऊपर वाले हैं। क्योंकि हम बजट की भी बात करें, ठीक है हिमाचल कॉलेज महंगा है, बट UP में कई अच्छे कॉलेज हैं, शारदा, SRM बरेली, जो आपको 70 लाख में इनसे बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, कुछ डीम्ड है जो आपको मिल जाएंगी। ये सब बच्चे छोड़ेंगे ही ये कॉलेज, और उसके बाद ये सब कॉलेज आपको राउंड 2 में मिलेंगे, जब 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जाता है। तो वंस अगेन इस अलॉटमेंट को देख के मत घबराएं, जनरल और हाँ सरकारी कट ऑफ बहुत ऊपर रहने वाली है, तो जनरल की मैंने आपको आइडिया दे दिया। इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज का भी आप चाहो तो मैं निकालने में भी बहुत टाइम नहीं लगता है आपके लिए। अगर आप कई लोग सोचते हैं कि सर आप बता ही देते जब बना रहे थे, जैसे कि अगर 630 हमने देख लिया, फिर से पकड़ते हैं सिर्फ सरकारी, कल्पना चावला, अग्रसेन अग्रोहा, कल्पना चावला, भगत पूर सिंह, इसमें जो हमने देख ही लिया था, जो जब सब देखे थे हमने, तो ओपन कैटेगरी खत्म हुई थी हमारी, कैसे 25 में आप देखिएगा जो BCB होगी उसे कोई फायदा नहीं है, आप BCB भी आपको इतने पे ही कम नजर आएगी, जिसको हम बोलते हैं 625, तो 609 पे ही थोड़ा नीचे फर्क है BCB का, वो 625 था, ये 609 तक आ गया है, ये एडवांटेज है। BCA हमें काफ़ी नीचे जाता नजर आएगा, हरियाणा में काफ़ी फर्क है ये BCA और BCB का। BCA देखिए 500 के नीचे, 587 तक आ गया, और आप देख सकते हैं ना हर एक नंबर पे कितने हैं। और ये सोचिए नेशनल लेवल पे कोई फर्क नहीं है BCA और BCB का, राइट। तो ठीक है, फिर से कुछ बच्चे, ये सारे बच्चे तो मेरे ख्याल से ऑल इंडिया कोटा में शायद जाएं, अगर इन्हें वहाँ पर कोई रिपोर्टेड कॉलेज मिलेगा बाहर, नहीं तो फिर अपना दिल्ली ही पढ़ेंगे, क्योंकि नेशनल लेवल पे तो सारे खाली OBC है ना, वहाँ पर तो ये BCA या BCB का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो तीन चार नंबर से ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि उससे ज़्यादा सीटें खाली नहीं होंगी हर कैटेगरी में। ओके, सो ये है आपके लिए हरियाणा का एनालिसिस। कीप वॉचिंग अवर चैनल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमसे संपर्क करना चाहें 9643362320, आई रिपीट वी चार्ज मनी टू टॉक, तो तभी फ़ोन कीजिए जब आप फीस देने को तैयार हो। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।